सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो है हम लोग उसी क्रम में जियोग्राफी टॉप 1000 क्वेश्चन की अगली सीरीज लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक हमारी सीरीज चली थी, उसमें 4 तारीख को आपका टेस्ट हुआ था, जिसमें पहले नंबर पर जो है आपके रही शालिनी जायसवाल जी और दूसरे नंबर पर रहे महेंद्र यादव जी। तो मैंने इनाम की घोषणा की थी और इनाम उनको दिया गया। अगला जो आप देख रहे होंगे आज के थंबनेल में ऊपर लिखा हुआ है 200 रुपये का इनाम। जी हाँ दोस्तों, अब की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का जब टेस्ट होगा तो इसमें जो है आपको 200 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैंने कहा है कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको तैयार भी होगा और आपको पैसा भी मिलेगा, दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुकिएगा, वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी सीरीज है टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें आपको 200 रुपीज़ का प्राइज दिया जाएगा। और जो प्राइज है ये जब टेस्ट हो टेस्ट होने वाला रहेगा तो उसके 4-5 दिन पहले बताया जाएगा। और आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, चौथा आज डे है तो चौथे दिन से शुरू होगा आपका। और जब तक वो टेस्ट नहीं होता है उसके पहले तक जितना वीडियो चला रहेगा आपका, उतने में से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन वही रहेगा जो मैं बताया रहूँगा, कोई एक्स्ट्रा प्रश्न उसमें नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और आपको जो है दिखेगा कि आज हम लोग जो है स्टार्ट करने क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लग गया है, आपकी स्क्रीन पर लगा है, जैसा कि देख रहे होंगे हमारे पिछली बार के जो विनर रहे जीते 100 रुपये ज़्यादा सही उत्तर देने पर, पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आप देख रहे होंगे और दूसरे नंबर पर भी आप देख रहे होंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं आज का जो सेशन है, चौथा सेशन, जिसमें आप ऊपर देख रहे होंगे जीते 200 रुपये ज़्यादा सही जवाब देने पर। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हैं, अगर आप ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन ये सीरीज जब तक चलेगी अर्थात जब टेस्ट होगा उसका, और जहाँ तक मेरा मानना है कि 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में इसका टेस्ट होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो नदियाँ, झीलें और जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है नदियाँ कामा झीलें कामा जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही टॉपिक है। मैंने कहा है कि हर टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कराता हूँ और प्रीवियस ईयर में जो पूछे रहते हैं प्रश्न वही कराता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें लिखा भी है NTPC मार्च 2016 पाली तीसरे पाली का प्रश्न था ये। कह रहा है, क्या प्रश्न है समझिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाइएगा, शायद मैंने स्क्रीन अभी प्ले नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, अब स्टार्ट हो गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी घाट से निकलती है, मतलब एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा पहला क्वेश्चन है, वो स्क्रीन चलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब चलेगा, कोई बात नहीं है, हो गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका घग्घर, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है दामोदर और चौथा है सोन। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो हमारी पश्चिमी घाट है वहाँ पे महाबलेश्वर एक है, महाबलेश्वर के पास एक झरना है, उसी झरने से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी जो आपके पश्चिमी घाट पे स्थित है महाबलेश्वर, वही के उसी के पास में एक झरना है जहाँ से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। तो दोस्तों, अगर पश्चिम से निकलने वाली नदी की बात की जाए तो हमारी कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम घाट से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और दोस्तों, अगर हम इसी के आगे की बात करें तो जो दामोदर नदी है,
दामोदर नदी है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और वहीं अगर हम सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो है हमारी ये अमरकंटक से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है, दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, कृष्णा नदी जो है आपकी ये महाबालेश्वर के पास जो झरना है वहाँ से निकलती है। और वहीं अगर हम घग्घर नदी की बात करें दोस्तों तो घग्घर नदी हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, आपका मैंने चारों नदियों के बारे में मैंने बता दिया कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो लाइक ना कीजिएगा। ये मेरा आपसे वादा है और रिक्वेस्ट भी है कि अगर अच्छा ना लगे तब मत लाइक कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने चारों प्रश्नों मतलब चारों ऑप्शन के जवाब हमने बता दिए। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है कि गोदावरी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो आपकी है, लिखा है कि गोदावरी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो इसका अगर हम जवाब की बात करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है ना आपकी, ये 1465 किलोमीटर, रुक जाइएगा इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। दोस्तों 1465 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। गोदावरी नदी जो है ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और वहीं अगर हम आगे बात करें तो ये निकलती कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और दोस्तों अगर बात करें कि ये कहाँ से होकर जाती है, तो ये पूर्व की ओर बहती है। अब सोचिए कि अगर अब जैसे यहीं पर है, यही है आपका भारत और यहीं पर है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से अगर निकलेगी और पूर्व की तरफ चलेगी तो ऐसे ही तो जाएगी। तो दोस्तों ये होकर किससे होकर के जाएगी, तो महाराष्ट्र से जब जाएगी तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से होकर जाएगी, देखिएगा यमयत से महाराष्ट्र से होकर जाएगी, उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, मध्य प्रदेश के पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद तेलंगाना में पहुंचेगी और तेलंगाना में पहुंचने के बाद ये आंध्र प्रदेश में पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जब आगे गए तो मध्य प्रदेश मिल गया हमको, मध्य प्रदेश के आगे गए तो हमको छत्तीसगढ़ मिला और छत्तीसगढ़ के आगे गए तेलंगाना और तेलंगाना के आगे गए तो आंध्र प्रदेश मिला और यही आंध्र प्रदेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन आपको गुजरात दिख रहा होगा, देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं क्योंकि देखिए महाराष्ट्र आपका यहां है और गुजरात आपका यहां पड़ता है, ये एरिया आपका गुजरात का है। तो दोस्तों महाराष्ट्र यहाँ है, गुजरात यहाँ है, तो ये नदी अगर पूर्व की ओर बह रही है तो गुजरात कभी नहीं पहुंचेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, कह रहा है कि कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो ये आपका गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो कह रहा है कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पेनगंगा नदी, और डॉट डॉट लिखा है नदी और वेन गंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी ऐसी है कि जो मतलब ये वेन गंगा नदी और पेन गंगा नदी के संयुक्त जल को लेकर जाती है और ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। दोस्तों इसका ऑप्शन की बात करें तो पहला ताप्ती नदी, दूसरा वर्धा नदी, तीसरा कोयना नदी और चौथा उल्लास नदी। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हैं आप। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वर्धा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा नदी। और वर्धा नदी जो है ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, और ये पेन गंगा नदी और वेन गंगा नदी की संयुक्त जल को लेकर जाती है कौन सी नदी, वर्धा नदी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अंतरराष्ट्रीय जल निकास के साथ एक नदी नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
कौन सी एक अंतरदेशीय जल निकास के साथ एक नदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अब इसमें सोच रहे होंगे कि अंतरदेशीय नदी, दोस्तों अंतरदेशीय मतलब देश के अंदर अंदर जो है चलती हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ऑप्शन में है पहला रूपेन, दूसरा बनास, तीसरा पेरियार और चौथा सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वही बात करें रूपेन नदी की, तो रूपेन नदी आपकी गुजरात से निकलती है, गुजरात में बहती है। वहीं अगर हम बनास नदी की बात करें तो बनास नदी आपकी राजस्थान में बहती है। वहीं अगर हम सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी आपका हरियाणा और राजस्थान में बहती है। ठीक, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी है अंतरदेशीय नदी, ठीक, अंतरदेशीय जल निकास के साथ एक नदी नहीं है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी कि पेरियार नदी, ये आपका अंतरदेशीय जल निकास के साथ एक नदी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेरियार नदी, अगर पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी केवल केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है। जी हाँ दोस्तों, पेरियार नदी जो है केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है, और सारी नदियां जो है, चूंकि देखिए वर्षा ऋतु में इसमें पानी भर जाता है, चूंकि देखिए मौसमी नदियां जिसको कहते हैं, मौसमी नदियां मतलब कि जैसे बरसात हुई तो नदी में पानी आ गया, बरसात खत्म हो गई पानी धीरे धीरे सूख गया, तो इस तरह की जो नदियां होती है वो केवल एक सीमित एरिया में बहती है। तो जो आपका पेरियार नदी है, पेरियार नदी जो है आपकी, ये केवल केरल राज्य में बहती है, केवल एक राज्य में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पहला अमरकंटक की पहाड़ियां, दूसरा सह्याद्री की पहाड़ियां, तीसरी मैकाल की पहाड़ियां और चौथी नीलगिरी की पहाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं कि कौन इसका सही जवाब दे पाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? अगर हम बात करें तो ये 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर नर्मदा नदी की बात करें तो 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये जो है अरब सागर में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो कि आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। प्रश्न में भी बनता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है, तो उसमें नर्मदा और ताप्ती नदी की बात आती है। अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। और अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके ये विंध्या एवं जो सतपुड़ा आपकी श्रेणी है उसी की घाटी से होकर के बहती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी सतपुड़ा रेंज है दोस्तों, एकदम सही आप सुन रहे हैं, जो आपकी सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है उसकी घाटी से होकर के ये बहती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि यारलाग टैंक्सपो देख रहे होंगे, इंग्लिश में भी लिखा है हिंदी में लिखा है, प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों यारलांग्स टसेंगो का जो प्रचलित नाम है वो क्या है, यही पूछा जा रहा है, तो ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का नाम है। और यह देखिए, चूंकि हमको पता है कि पश्चिमी तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर, जी हाँ दोस्तों, आंगसी ग्लेशियर दोस्तों, पश्चिमी तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर जो है, देख रहे होंगे आप, ये है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसको सियांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सियांग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगले प्रश्न में देखते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? देख रहे हैं, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग। अब हमने ऐसे बना दिया है, इसको दांत मत समझिएगा, भारत का ऊपर का हिस्सा जान लीजिए। तो दोस्तों अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी आपकी पाकिस्तान से आती है, ठीक, भारत से होते हुए,
और ये मतलब देखिए सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, चीन के आपसे तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत से होते हुए ये आपकी पाकिस्तान जा करके और इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों अगर हम पूछ इसमें कह रहा है कि कहां से नहीं होकर जाती, तो देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से होकर जाती है। एक ऑप्शन है भारत, भारत से भी होकर जाती है। एक ऑप्शन है चीन, चीन से भी होकर जाती है। एक ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये जो अफगानिस्तान है यही आपका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात जो सिंधु नदी है ये आपकी अफगानिस्तान से होकर के नहीं जाती। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या आप हमारे साथ सही कर रहे हैं, तो आपका दिल बोलेगा कि नहीं सही नहीं कर रहे हैं, आपको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन देख रहे होंगे ब्यास नदी, दूसरा देख रहे होंगे सतलज नदी, तीसरा देख रहे होंगे चंबल नदी, चौथा देख रहे होंगे रावी नदी। जी हाँ दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है, और इसकी अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो कोई भी नदी अगर होती है, दोस्तों अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो कोई भी नदी जब बहती है तो उसमें दो तरह से लोग मिलते हैं, या तो आपके बाएं से मिलेंगे या तो आपके दाएं से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों दो ही तरफ से लोग मिलते हैं, तो बाएं से मिलेंगे या तो दाएं से मिलेंगे। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है ये चेमायुंग दुंग, ये अजीब नाम भी रहता है चाइना वालों का, चेमायुंग दुंग। जी हाँ दोस्तों चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये ग्लेशियर कहाँ पे है, ये तिब्बत में ग्लेशियर है। जी हाँ दोस्तों अगर हम बाएं से बात करें तो बाएं से आपकी सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। जी हाँ दोस्तों इतना जो है आपका बाएं से मिलती है, और वहीं अगर हम दाएं से बात करें, इसके दाएं सिरे से बात करें, तो जो कि आपका दाएं सिरे की ओर बात करें तो आपकी श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। जी हाँ दोस्तों जबकि अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों चंबल नदी जो है आपकी वो यमुना की सहायक नदी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो चंबल नहीं है। दोस्तों मैंने बताया कि सिंधु नदी में बाएं सिरे से कुछ नदियां मिलती हैं, दाएं सिरे से कुछ नदियां मिलती हैं, सभी का नाम मैंने बताया। आप वीडियो एक बार जो है देख लीजिए लगातार लाइव हमारे साथ, उसके बाद एक बार ऑफलाइन आप देखिएगा, तो उसमें जो है आपको ये नोट करने का मौका मिल जाएगा कि कौन सी नदियां मैंने बताया। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया, जी हाँ दोस्तों अभी अभी हमने बताया, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी। अगले प्रश्न पर अगर चर्चा करें तो कह रहा है कि धनसिरी, जी हाँ दोस्तों धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है। जी हाँ दोस्तों धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपकी नागालैंड दिख रहा है, नागालैंड में एक चोटी है जिसका नाम है लैसांग घाटी। जी हाँ दोस्तों नागालैंड में एक घाटी है जिसका नाम है लैसांग घाटी। तो दोस्तों लैसांग घाटी एक नाम है और यहाँ से जो है ये नदी आपकी निकलती है, तो नागालैंड से, और ये 352 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 352 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये असम में प्रवाह, देखिए नागालैंड तथा असम में बहती है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में जा कर के मिल जाती है। तो दोस्तों जो आपकी धनसिरी नदी है ये नागालैंड के लैसांग घाटी से निकलती है, जो कि आपकी असम और नागालैंड में बहती है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र में जा कर के मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। जी हाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, पहला गोदावरी, दूसरा महानदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा सोन नदी। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि देखिए जो तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत आपका यहां पे है, और तिब्बत से होकर के इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे आप, तो ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे होंगे, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी तिब्बत से होकर के निकलती है, तिब्बत से जो कि भारत में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों तिब्बत में कहां से निकलती है, सुशील पूछ रहे हैं, तो तिब्बत में आंगसी, जी हाँ दोस्तों तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि देखिए
एक मिनट रुक जाइएगा, उद्गम स्थल तिब्बत में है, हाँ सही कहे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और जबकि गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर के नगर निकट जो है महाराष्ट्र से निकलती है। देख रहे होंगे आप, इसमें जो ऑप्शन आपका गोदावरी है, ऑप्शन नंबर ए, तो गोदावरी जो है आपकी ये महाराष्ट्र के निकट जो है त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, जी हाँ दोस्तों। और वहीं सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी जो है आपका ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जी हाँ दोस्तों। तो मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा पेरियार और चौथा केरल। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो पेरियार नदी है वो केरल राज्य में बहती है, तो अगर केरल से बहेगी तो दोस्तों केरल के पास क्या रहेगा आपका, अरब सागर रहेगा, तो गिरेगी कहाँ, अरब सागर में गिरेगी। वहीं अगर नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो इसको मैंने पहले ही बताया कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गुजरात होते हुए, सूरत होते हुए ताप्ती नदी भी जो है वहीं पर गिर जाती है। तो दोस्तों ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानदी। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, जी हां दोस्तों, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इसकी गंडकी नदी की बात करें तो गंडकी नदी जो है यह दक्षिण नेपाल में, दोस्तों यह आपका दक्षिण नेपाल में, दक्षिण नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, दक्षिण नेपाल में नारायणी और भारत में इसको गंडक नाम से बुलाया जाता है। और दोस्तों अगर हम यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, दोस्तों यह गंगा की, गंगा नदी की, इसमें रुक जाइएगा, प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, दोस्तों कौन सी है, तो गंडक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की अगर हम अन्य सहायक नदियों की बात करें, दोस्तों गंगा की अगर हम अन्य सहायक नदियों की बात करें तो आपका यमुना, गोमती, घग्घर, कोसी, सोन, ये सब आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि व्यास और रावी, इसी के साथ व्यास और रावी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तथा मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडकी। तुंगभद्रा की बात की जाए तो तुंगभद्रा आपकी कृष्णा नदी और मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और वहीं अगर हम जो है ब्यास की बात की जाए तो ब्यास नदी जो है वो रावी की सहायक नदी है, जी हाँ दोस्तों। और गंगा की बात की जाए तो गंगा के लिए हमने गिनाया ही यमुना, गोमती, घग्घर, उसके बाद फिर जो है आपकी सोन नदी, कोसी नदी, ये सब आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16, तो कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ताप्ती, चौथा कावेरी। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना। यमुना नदी ऐसी है जो कि कहाँ पे प्रवाहित नहीं होती, समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, जी हाँ दोस्तों। यमुना नदी जो है वो आपकी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो ये आपकी यमुनोत्री हिमनद से के बंदर पूछ चोटी से निकलती है, जी हाँ दोस्तों, बंदर पूछ चोटी, यमुनोत्री हिमनद से बंदर पूछ चोटी के पास से निकलती है। और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और गंगा एवं कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में, गंगा और कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि ताप्ती नदी जो है ये आपकी अरब सागर में गिरती है, जी हाँ दोस्तों। मैंने चारों के जवाब बता दिए, गंगा और कावेरी आपकी अरब सागर में जाके गिर जाएगी, यमुना जो है ये आपका यमुनोत्री हिमनद जो कि बंदर पूछ चोटी से निकलती है, और प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है, और ताप्ती नदी की बात की जाए तो ये अरब सागर में गिरती है, जी हाँ दोस्तों। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि क्या सही है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलें, तो कह रहा है कि जायकवाड़ी, दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे लंबी
सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जैकबाड़ी परियोजना की अगर बात की जाए तो ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी पर स्थित है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से जो है निकलती है और यह जो है गोदावरी नदी पर निर्मित है। और इस बांध की अगर लंबाई की बात की जाए तो इस बांध की लंबाई 10 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, देखिएगा इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन अब सही हो गया होगा। निम्नलिखित कथन में हमको बताना है, पहला क्या है, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदी के पास विकसित हुई थी। सही है कि अधिकांश जो प्राचीन सभ्यता, चूंकि देखिए जब मानव बसेंगे तो जहां पानी होगा, पानी आपकी प्राथमिकता होती है, तो जहां पानी होता है उसी के आसपास लोग बसते थे। तो जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं वो नदियों के पास विकसित हुई। सही है, और मनुष्य का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है कि मनुष्य का जो व्यवसाय था वो भी कृषि था, और जो मतलब कि प्राचीन सभ्यताएं थी वो भी नदी के पास विकसित हुई थी। ये दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों जो आपको दिख रही होगी उलर झील। जी हाँ दोस्तों, उलर झील जो दिख रही होगी ये आपकी जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये है। और इसका मतलब कि इस झील का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 30 से 260 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 260 वर्ग किलोमीटर है। और ये मौसम के अनुसार, आप सोच रहे होंगे 30 से 260 कैसे, तो मौसम के अनुसार इसके क्षेत्रफल में बदलाव होता रहता है। चूंकि हमको पता है कि झील जो होती है वो एक स्थिर एरिया है, पानी ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर का पानी बहाव आ रहा है, तो इसीलिए जो है ये कहाँ इसका जो मतलब बरसात के पानी जो होते हैं वही इसमें एकत्रित होते हैं दोस्तों। तो मौसम के अनुसार ये बदलती रहती हैं। और अगर इसके स्थान की बात की जाए तो कश्मीर राज्य के बांदीपोरा, जी हाँ दोस्तों, कश्मीर राज्य के बांदीपोरा नामक स्थान पर है दोस्तों, कश्मीर राज्य के बांदीपोरा स्थान पर है। वहीं अगर हम अगली बात की जाए तो झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हमने बताया कि उलर झील जो है आपकी वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिख रहा होगा कि झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि ताजे पानी की झील में से एक है पूरे एशिया में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उलर झील। अभी अभी हमने सारा बताया इसके बारे में। अगली बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी झील साइलेंट सोडा झील है जो कि उल्कापात के प्रभाव से उल्धाना जिले में बनी हुई है? जी हाँ दोस्तों, उल्धाना जिले में बनी हुई है। कुछ लोग नाम ही नहीं सुने होंगे कि ये उल्धाना जिला कहाँ है, तो दोस्तों महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में है ये उल्धाना जिला। और ये लोनार झील जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो सही जवाब है। लोनार झील जो है ये खारे पानी की झील है और इसका निर्माण जो हुआ है वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उल्का पिंड के गिरने से जमीन में एक गड्ढा हो जाता है, बरसात का पानी उसी में भरता है, तो इस प्रकार का जो झील का निर्माण होता है वो आपका जो है उल्कापात झील कहते हैं उसे। तो लोनार झील जो है आपका ये सही जवाब होगा जो कि आपका बुल्ढाना में है और महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की बात की जाए कि निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। पहला डल झील, दूसरा सांभर झील, तीसरा बेम्बनाथ झील, चौथा बुलर झील। तो दोस्तों इसमें डल झील जो है, सांभर झील जो है, बेम्बनाथ झील जो है, ये चारों झीलें जो है ये आपकी खारे पानी की झील है। जबकि आपकी बेम्बनाथ, देखिए डल झील, उलर झील तथा बेम्बनाथ झील ये सभी मीठे पानी की है। डल झील, बेम्बनाथ झील, बुलर झील ये सभी मीठे पानी की झील है। जबकि सांभर झील की बात की जाए तो सांभर झील आपकी खारे पानी की झील है और सांभर झील आपका गुजरात में है, यहीं पर जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सांभर झील में ही प्रवासी पक्षी आते हैं। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात की जाए, सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान में है,
सांभर झील आपका राजस्थान में है, प्रवासी पक्षी यहीं पर आते हैं। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड परियोजना आपकी किस नदी पर है? तो जो सही जवाब हो जाएगा, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना आपकी यही है, जो कि 4801, जी हाँ दोस्तों, 4801 मीटर लंबा और 200 फीट ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, 4801 मीटर ऊंचा और 200 फीट ऊंचा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सा जवाब सही रहेगा। जैसा कि अगला प्रश्न लग गया है, कोयना बांध किस नदी कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न लगा है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो कोयना बांध की अगर बात की जाए दोस्तों, कोयना बांध की बात की जाए तो कोयना बांध जो है आपका, वो आपका महाराष्ट्र में है। दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया था कि कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य के कोयना नदी पर हुआ है, जो कि शिवाजी सागर झील से इसका निर्माण हुआ है। इसके पीछे जो है कोयना बांध जो है, इसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और ये एक जल विद्युत परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये एक जल विद्युत परियोजना है। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये भी आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। वहीं अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर आपका मेंटूर बांध बना हुआ है। दोस्तों कावेरी नदी पर आपका मेंटूर बांध बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से बिजली घरों में से दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है, तो दामोदर नदी परियोजना के साथ कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी से आपकी जो है रुकिएगा मेजिया, पहला मेजिया जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में है, दूसरा बोकारो, बोकारो जो कि आपका झारखंड में है, तीसरा चंद्रापुर, चंद्रापुर जो कि आपका झारखंड में है, अगला दुर्गापुर जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे जो है आपका वो है कोडरमा, कोडरमा ये भी आपका झारखंड में है, रघुनाथपुर, ये सब नाम आप लिखते चलिएगा, रघुनाथपुर, रघुनाथपुर आपका पश्चिम बंगाल में है, मैथन, मैथन भी आपका पश्चिम बंगाल में है, पंचेत, पंचेत, पंचेत आपका जो है झारखंड में है, तिलैया, तिलैया भी आपका झारखंड में है, आदि। ठीक, तो ये सब जो है जो कि जो है क्या कहते हैं आपका पश्चिम बंगाल से हीराकुंड या जो कि आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना पर है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। वहीं अगर हम आज के आखिरी प्रश्नों की बात करें तो सरावती पन बिजली परियोजना, दोस्तों सरावती पर पन बिजली परियोजना है कहाँ पे है? तो सरावती पर पन बिजली परियोजना जो है ये आपका पहला ऑप्शन पुदुचेरी, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरल। तो जो सरावती पन बिजली परियोजना है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ से 1035 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, 1035 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे मास्टर स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने इसको जो है मास्टर स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, और वहीं अगर हम आगे बात करें तो जो आपकी पिछली क्लास थी वीडियो नंबर 3 जियोग्राफी टॉप 1000 क्वेश्चन की, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वहीं अनुराग सर की बाल विकास की क्लास चल रही है, अगर आप बीएड में सीटेड में अगर इसमें सब में इंटरेस्ट हो तो आप वो भी क्लास देखिएगा। तो यहाँ पर लगातार जो है आपकी क्लासेस चलती रहती हैं, तो दोस्तों आपको निश्चित ही यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा बताइएगा कि जो मेरा ये प्रयास है इनाम देने वाला, या फिर जो पढ़ाई करने का जो तरीका मैं अपना रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं सही है। तो आपके जवाब की अपेक्षा रहेगी, और अपने भाई को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाते रहिए। आपका अपना परिवार है,
और मैं जानता हूँ कि आप लोग हमारे लिए तो इतना करेंगे ही। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।